सर, आज आपने इलेक्शन के रिलेटेड जो कुछ डिटेल्स बतानी है, तो क्या डिटेल्स हैं, क्या बताएंगे आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? आज हमने आप लोगों को इसलिए बुलाया है क्योंकि आपको ये पता है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के लिए डेट्स अनाउंस किए हैं। किश्तवाड़ जो है वो फर्स्ट फेज में है और फर्स्ट फेज का जो शेड्यूल है वो डेट ऑफ इशू ऑफ गजेटेड नोटिफिकेशन जो है वो है 20 अगस्त को है नोटिफिकेशन। नॉमिनेशन आपका जो है वो 27 अगस्त को होगा। डेट ऑफ स्क्रूटनी जो है वो 28 अगस्त को है और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जो है वो 30 को है। और जो डेट ऑफ पोल है हमारे ज़िले के अंदर वो 18 सितंबर को है और काउंटिंग जो है वो 4-10 को होगी अक्टूबर में। ये हमारा प्लान है। एक तो ये, दूसरा आपकी आपके थ्रू कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है कल से ही ज़िले के अंदर जो है वो लागू हो गया है और उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो 24 घंटे के अंदर कुछ काम करना होता है, कुछ 48 घंटे के बाद और उसके बाद 72 आवर्स के बाद। 48 आवर्स के अंदर 24 आवर्स के अंदर जो है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी किसी ने अगर कुछ पहले मिनिस्टर्स की फोटोग्राफ लगी है या कोई फाउंडेशन स्टोन किसी का के ऊपर नाम है तो उसको जो है रिमूव करना है, उसको ढकना है। इस तरीके की कार्रवाई जो थी वो करनी थी वो जिले के अंदर पूरी हो गई है। उसके बाद 48 आवर्स में अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन के बाद पब्लिक प्लेसेस को जो है फिर वही वाला उसी तरीके से पब्लिक प्लेसेस के ऊपर देखना है और प्राइवेट प्रॉपर्टी को 72 आवर्स के बाद जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास तीन असेंबली सेगमेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 48 इंद्रवाल है, 49 किश्तवाड़ है और 50 पाडर नागसेनी है और 429 के करीब हमारे पास पोलिंग स्टेशंस हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसमें नंबर ऑफ क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन जो है 96 हैं और उसके बाद P3 पोलिंग स्टेशन जो हैं माइनस के 36 हैं। नंबर ऑफ P2 पोलिंग स्टेशन जो है वो 29 हैं। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम्स हमारे 19 बनेंगे और टोटल जैसे मैंने कहा वो 429 के करीब हैं। टोटल मॉडल पोलिंग स्टेशंस हम बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो 12 होंगे टोटल हमारे पास। नोडल अफसर्स और जो टीम्स थी हमारी फ्लाइंग स्क्वायर टीम और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स, उनको हमने बना दिया है और वो अपना काम जो है उन्होंने करना शुरू कर दिया है। उसके बाद ROs के ऑफिसेस जो हैं वो एस्टेब्लिश हो गए हैं। कंट्रोल रूम हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश हो गया है। आज पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हमारी मीटिंग हुई, उनकी हमने ट्रेनिंग की है और उसके बाद पूरे नंबर हमारे इलेक्शन अथॉरिटीज़ के उनके साथ शेयर किए हैं। हम उनके साथ इन टच हैं कि कोई भी उनको क्लैरिफिकेशन यहाँ से असिस्टेंस हमसे चाहिए वो उनको दी जाए। सर, 18+ के जो अभी वोटर्स कुछ अभी बकाया है, जहां तक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि 18+ अभी तक कुछ वोटर्स जो है वो एड ऑन नहीं हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ कर रहे हो आप? इसमें कंटिन्यूस अपडेशन होता है, उसमें लास्ट डे तक होगा, लास्ट डे जो नॉमिनेशन होगा उस तक होता है और जब भी इसमें अभी नेक्स्ट वाला जो होगा वो भी कवर होगा। सर, कोई स्पेशल कैंप्स या कोई इलाकों में जाकर जो लगाएं, क्योंकि BLO जो है वो एक बार इलाके के अंदर जाते हैं दोबारा दिखते नहीं, कोई स्पेशल कैंप लगवाकर इलाके के अंदर जो है ताकि स्वीप एक्टिविटी के तहत यहाँ पे कम्प्रिहेंसिव कैंपेन जो है वो हमने प्लान किया है और ऑलरेडी पहले स्वीप की एक्टिविटीज हुई हैं। आप 2-3 दिन के अंदर देखेंगे आप इसके ऊपर बहुत बड़ा काम हम। सर, दूर दराज इलाका जैसा कि मचेल, बड़वा, बागवन, बाकी जो दूर दराज इलाके पड़ते हैं वहाँ पे कोई ये एक्टिविटीज करवाई जाएंगी इलेक्शंस के रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे 18+ वोटर्स वहाँ से भी हो चुके हैं, वहाँ पे भी कुछ कैंप्स करवाए जाएंगे? कैंप्स डेफिनेटली हम कैंप होंगे और ये इसके ऊपर
आरओज एआरओज और हमारी जो टीम्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है। सर टोटल वोटर्स कितने हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आप थोड़ी सी वो डिटेल्स भी बताएंगी, और क्या सबसे बड़ा सवाल उठता है जो ओल्ड एज वोटर्स होते हैं उनको घर में ही फैसिलिटीज दी जाती है वोट डालने के लिए, लेकिन पिछली बार देखा गया लोकसभा इलेक्शन में कि काफी ऐसे जो वोटर्स हैं वो भी मिस हुए हैं, और दूसरी बात यह है कि जब जो पिंक पोलिंग स्टेशन वगैरह हैं जहाँ औरतों के लिए जो पोलिंग स्टेशन बनाए हैं वहां पर जरूरी सुविधाएं जो है वो मौजूद नहीं थी, तो आप इसको क्या बताएंगे और खास तौर पर जो ओल्ड एज के जो वोट्स हैं और जो बैलेट वोट्स हैं उसको लेकर। प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन जो है वो 292,116 है और जेंडर रेशो हमारा 952 है, ईपी रेशो जो है वो 60.02 के करीब है, वोटर्स हमारे जो आपने पूछा वो 179,323 हैं तीनों कांस्टिट्यूएंसी तीनों अभी तक यस, और मेल इसमें 91,885 हैं और फीमेल हैं वो 87,436। सर पिछली बार जो मुलाजिम लोग हैं उनको शायद कुछ वोट इशू किया जाता है लेकिन उनको काफी लोगों को हुआ नहीं, और दूसरी बात यह है कि क्या जो जेल में कैदी बंद है क्या वो भी वोट डाल सकते हैं, अगर डाल सकते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की उस टाइम में ईडी सीट दिया गया होगा, इस टाइम में जब हमारा पार्टीज जो होंगी डिस्पैच होंगी उससे पहले हर असेंबली सेगमेंट में जो आपके इलेक्शन ड्यूटी पे स्टाफ होगा वो वोट डाल के जाएगा। सर इलेक्शन में ज्यादातर लिक्वर या पेंसिल का इस्तेमाल किया जाए तो क्या इंस्ट्रक्शन रहेगी आपकी? कल से ऑर्डर किया गया है, इसके ऊपर टोटल सर्विलेंस है कि कोई भी मॉल प्रैक्टिसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना हो, और जहां तक आपने बताया इवन के आर्म्स के लिए सरेंडर जो आर्म्स जो हैं डिपॉजिट करने होते हैं उसका भी ऑर्डर हुआ है, और उसके बाद आपने हमारी जो स्टैटिक सर्विलेंस टीम और जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसके ऊपर काम कर रहा है। सर हम अक्सर शिकायतें मिलती है कि जो लिक्वियर शॉप्स यहाँ पर हैं वो इलीगल ट्रेड करते हैं, क्योंकि आप खुद एक्साइज कमिश्नर भी रहे हैं, बिलिंग नहीं होती है, एक्स्ट्रा लिक्वियर बेची जाती है और बाद में पुलिस उनको नाकों पे पकड़ती है, तो क्या इस सिलसिले में जो यहाँ चार या पाँच अब दुकानें यहाँ पर हैं उनको कोई ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस के वहाँ पर बिल तक नहीं काटी जाती है, और लोगों से ये भी शिकायतें मिलती है कि पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं और बिल भी नहीं काटते, तो मजिस्ट्रेट्स जो हैं उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो उसके ऊपर पूरी नज़र रखेंगे और वो जो भी ट्रांजेक्शन उनकी हैं उसको भी देखेंगे। सर असेंबली इलेक्शन के लिए लोगों के लिए क्या मैसेज रहे? असेंबली इलेक्शन के लिए लोगों के लिए तो सब है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, लोग आए बढ़ चढ़ कर, और 100% पोलिंग होनी चाहिए, 100% सब लोग आए। थैंक यू सर।